के जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करण की? जरा सी बात तो थी। दस रुपए के लिए छोरे ने भूखा मारेगी के? ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है? दस रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है? जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले। तू अपने खाने की चिंता कर। इसने दस रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी मां की जगह होता ना, तो दो दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने। खा ले। विक्की बेटा, एक बार सबको ठीक से बाय तो कर दो। माँ कितनी बार बाय यार। विक्की बेटा, मन लगा के पढ़ना। हाँ दादा, ओके। खाना खाने मत भूलना। हाँ बेटा। दादी, खाना खाना कोई कैसे भूल सकता है? देखो बेटा। पापा प्लीज, अब और ज्ञान मत दीजिए। बाय दीदी। माँ बस, और कितना सेंटी होंगे आप, बस। चलो, सी यू ऑल 2-3 साल बाद। दो तीन साल बाद। फैमिलीज बदल रही हैं और पास आ रही हैं, इसलिए हम भी बदल रहे हैं, आपके और पास आ रहे हैं। अब डिज्नी चैनल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। डिज्नी चैनल, शनिवार रविवार, ओनली फॉर परिवार। तो आप हमारे राहुल से शादी करना चाहती हैं? माँ, मैंने आपसे कहा। आपसे पूछा? हाँ, तो आप हमारे राहुल से शादी करना चाहती हैं?
जी। लेकिन क्यों? आपको तो इससे अच्छा कोई भी मिल जाएगा। माँ। हाँ, मतलब पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत कमा भी लेता है, और दिखने में भी तो ठीक ठाक ही है ना। डैड आप ये क्या बोल रहे हैं डैड? आप मॉम ने थोड़ा मार खा गए है ना? और भैया को ना अंधेरे में डर लगता है, और हाथ में लाइट ऑन करके सोते हैं। बेटा हम तो फैमिली है, कुछ कर नहीं सकते। अगर तुम क्यों फंस रही हो बेटा? क्या करूं? समझ लीजिए उसकी फैमिली पे दिल आ गया। फैमिलीज बदल रही हैं और पास आ रही हैं, इसलिए हम भी बदल रहे हैं, आपके और पास आ रहे हैं। अब डिज्नी चैनल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। डिज्नी चैनल शनिवार रविवार ओनली फॉर परिवार। पिंकी। जी पापा। मम्मी को दे दो समोसे। एक मिनट, ये दादी के लिए। मेरी दवाई लाए? हाँ। कोई पिंकी क्या है? दवाई पिंकी जा, पापा से पूछ क्या वो कितना लेंगे। पापा आपको दो दूं? नहीं एक ही देना, और जरा चाय का भी देखना। हाँ हाँ मम्मा बना रही है। ये नथुराम का है क्या? हाँ दादी नथुराम के। ये लीजिए एप्पल। पता नहीं अब कैसे बनते होंगे। वैसे ही बनते हैं माँ, जैसे पहले बनते थे। पहले तो यू बड़े बड़े बनते थे, असली घी में बनते थे, उसमें बादाम डाली हुई रहती थी। पता नहीं अब कैसे बनते। पिंकी जी एक टुकड़ा देना मुझे, थोड़ा चख लूं। कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक टुकड़े में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा सुल्टा खाते रहती हो, तबीयत खराब करते रहती हो, हमें और कोई काम नहीं है। कभी चिक्की छुपा के खाती हो तो कभी भुजिया, चाहे लूज मोशन की नदियां बहती रहे। 100 बार सुना चुका है। अब बच्ची हो, कुछ समझ नहीं पाती हो? तू अकेला ही समझदार है। मुझे कुछ आता ही नहीं, जैसे यही अकेला समझदार है। कुठे जायचं काय करायचं काही कळत नाही। एकटा जीव म्हणता सदाशिव, काय करायचं? जायला पण कुठे जागा नाही। ही मुलं सगळे मागे लागतात, हे नको खाऊ ते नको खाऊ। कुठे जायचं, कुठे उभं राहायचं, कुठे राहायचं? डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, इस घर की बेटिया, इस घर की बेटिया।
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। घर की बेटियां। इस बार भी रस्सी बम की आवाज से ही नींद खुलेगी, और इस बार फिर बिना कॉफी के ही काम पर लगना पड़ेगा। पापा के अंदर का पिकासो आज फिर से जाग उठेगा, और मॉम आज फिर मिठाई वाले का बिजनेस खा जाएगी। मिर्ची लाइट्स फिर से सुलझाए जाएंगे, झूमर फिर से चमकाया जाएगा, और एक बार फिर 150 बार हैप्पी दिवाली बोला जाएगा। चंदन की अगरबत्ती फिर से जलेगी, दिए उसी कोने में जाएंगे, पापा का दिया हुआ सरप्राइज मुझे फिर से उसी जगह मिलेगा, और उसे देखकर इस बार भी बाप बेटी का मेलोड्रामा देके मॉम फिर से वही रिएक्शन देगी। एक्चुअली इतने सालों से हमारी दिवाली में कुछ नहीं बदला, पर अगर दिवाली ऐसी हो तो कोई उसे क्यों बदले। हर बार साल की अच्छी शुरुआत दिव्यम बाय तनिष्क।